तुमने ट्राई की किसी ने बेटा? हाँ सर, टाइप 1 टाइप 2 हो गए दोनों। कोई डाउट है? हाँ सर, हाँ हाँ नहीं। हाँ वो सर एक वो बड़ा था तो ना। स्किप करो ना ये। हाँ हाँ ये कहाँ सी कैचिन में तुम्हें? हाँ, दो बार तो नहीं। हाँ मैंने दो बार, एक बार नोटिस में, दो बार नोटिस करके बोल रहा हूँ मैं। लेकिन प्रेस निश्चय है। हाँ सर, प्रेजेंट सर। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत, पहले सारे इजी हैं। 8P25C3। देख अच्छा मैं सही बता रहा हूँ, मैं फोन करूंगा कि इनको बोलने की सिखाओ। हाँ, यार दोस्त से बात कर रहे तू? उससे भी हाँ कमीने ऐसे बोलने का होता है। इधर आ जाओ बेटा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट मुझे फटाफट बता दो, कौन सी प्रॉपर्टी से करोगे? n=8 + 6। तो एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई होता तो क्या होता? या तो एक्स इज इक्वल टू y या n=x + y। n। अब देखो बेटा, ये दोनों सेम सेम तो नहीं हो सकते, 8 और 6 इक्वल तो नहीं हो सकते। तो ये वाला तो क्या डिस्कार्ड हो गया, मैंने जो इरेज कर दिया। तो सिर्फ क्या हो सकता है, इन दोनों का सम इज इक्वल टू क्या हो सकता है? n एन की टू पे बेटा 14। खुद से ना 14 में से 8 लोगों का सिलेक्शन इक्वल टू 14 में से 8 लोगों का। रिजेक्शन। चमक गया बेटा। यस हाँ सर। अभी कोई यहां नहीं बोला। हाँ ओहो, चलो सेकंड सेकंड बोलो बेटा। ये अभी दोनों एन, ये इन दोनों का सम इज इक्वल टू, या तो क्या हो जाएगा R+3 इक्वल टू R-2, तो लोल हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 बस फटाफट बिना पेन चलाए करो। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 15। 15 2 सर। R-1 इज इक्वल टू 15, तो 2 R इज इक्वल टू 16। R की वैल्यू कितनी आई? अच्छा 8 8 इन दोनों का सम इज इक्वल टू 16, 2 R इज इक्वल टू 16, तो R की वैल्यू कितनी आई? तो 8 सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया होपफुली, है ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा इनमें से 14, देखो 14 सर ये फर्स्ट वाला है, उसमें n की वैल्यू r की वैल्यू 7 नहीं आएगी, क्योंकि टू आर प्लस वन होगा। 3 -2 1 होता है, उधर जाके माइनस, तो 14 आ गया। अच्छा टू आर प्लस वन इज इक्वल टू 14, 2 R इज इक्वल टू कितना है? 14। कॉन्सेप्ट समझो यार, ओके। हाँ क्लियर है? हाँ फोर्थ वाला सर। देखो, फोर्थ वाला फटाफट 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 के अंदर। नपर, अच्छा नपर और नसर दे रखा है। नपर और क्या दे रखा है? नो सर। नसर। नपर ये है, नसर कितना है? 70 70 सर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल होता आर है। फैक्टोरियल। हाँ सर। ये इसको हाँ नपर बोलते हो, नपर अपॉन में आर सर। फैक्टोरियल होता है। हाँ तो सर। यहां से क्या हो जाएगा? नपर अपॉन में नसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ सर। 1680/70 इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। यस सर। बे 24 24 24 सर। पे जाएगा। हाँ तो आने सू फोर था कि फैक्टोरियल बेटा मतलब आंसर 4 होगा, आर की वैल्यू फोर 4 आएगी। तो फैक्टोरियल। NC4 इज इक्वल टू, तुम्हें 70 दे रखा है। NC4 इज इक्वल टू क्या दे रखा है तुमको? 70 70। 70। तो यो सू था N-1 N-2 N-3 अपॉन में 4 3 2 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 70। इधर भेज दो 280। सॉरी नहीं, ये तो बहुत गंदा बनेगा। 28 × 70 बन जाएगा, सॉरी 24 × क्या बन जाएगा? यहां तो क्लियर है बेटा। सर इससे अच्छा तो एनपीआर से निकाल लेते, या एनसी एनपीआर एनपीआर से निकल जाएगा फटाफट। एनपीआर इक्वल टू क्या देगा अपने को? 1680 दे रखा क्या? सर। एन आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। सर एन फैक्टोरियल अपॉन में N-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1680 बेटा, वही बनने वाला था। N-2 N-3 वो बस मिल इक्वल टू कितना देगा? 1680। अच्छा तुमको पता है कि एक फैक्टर तो 0 तो होगा ही होगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। सर, अभी हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे।
या ऐसे भी सोल्ड सस्सी के कर लो ना, सोल्ड सस्सी के फैक्टर निकाल लो, सोल्ड कंपेयर करके सोल्ड सस्सी के क्या क्या आएंगे फैक्टर। 840 अगेन टू आठ ऐसे सौ निकाल बीस लो कि अगेन टू 240 बस 110 अगेन टू क्या। अभी तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे रुको, ये कितना होगा, 2 के साथ कितना जाएगा, कि 3 के साथ जाने वाला है, 25 जाएगा 35 ब्रो। फिर सेवन फिर फाइव फिर सेवन अभी कितने पे जाएगा बेटा, 5 पे। देखो अभी तो लगभग लगभग क्लियर हो गए, एक तो 10 चाहिए चाहिए, तो 5 और 2 की तो दोस्ती करा दो, कितना हो गया 10। अच्छा ये देखो आ गया ना 20 भी, देखो 20 बन रहा है, इन तीन जो ब्लू कलर टिक मारे हैं 20 बन जाएगा इनसे। हाँ सर। और ये बना देते हैं, और ये दिल वाले से 21 बन जाएगा, सर। लेकिन बाकी कौन बचे, कौन कौन से बचे बेटा, चार चार ही बचा बाकी, तो कोई दिक्कत नहीं। ये फैक्टर कुछ ऐसा गंदे से फैक्टर आए हैं जिसका कोई भी मुझे सेंस बनता हो नजर नहीं आ रहा। चार कंसिक्यूटिव सोचे हैं जिनका प्रोड 160 1680, 11 12 13 नहीं, 10 तो पक्का आएगा। चलो 10 का सोचे, 10 वाला सोचते हैं, मैं 20 ज्यादा ले गया। ये 20 कौन सा चला गया, 10 और चला गया, 5 और 2, ये 3 और 2 6 चला गया, ये चला गया 7 आ रहा है, 8 9 10 इनका कितना आ रहा है बचा करना, सर भाई 5 0। 4 0 ऐसे तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज तो फिर वही बड़ा तरीका है, कैसे तरीका, जो कौन बोल रहा था उदय, कोई और तरीका सोचा सकता है क्या, NPR और अपने को क्या दे रखा है, अच्छा NCR से भी 70 दे रखा सर है, 5 6 7 8 हो गया 5 6। 7 8 चेक करते हैं, 5 तो बना हुआ ठीक है, ये वाला 6 ये वाला ले गया, सर ये एट तो एट होता बन गया, 6 बन गया, 5 बन गया, और ये क्या बन गया, वेरी गुड यार। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा कंपेयर करके, फाइव नहीं 8, एट हाँ क्योंकि सब प्रैक्टिकल समझ गया। यस अगर जिंदा नहीं भी होता तो फिर वो बेसिक मैथ्स में कभी सिखाया हो, यदि देखो अभी यदि नहीं भी हो रहा तो कैसे करते, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करो पहले और लास्ट का, तो कितना आया एन स्क्वायर माइनस कितना आया, 3 n और इन दोनों का बीच का प्रोडक्ट करो कितना आया, एन स्क्वायर माइनस 3 n प्लस टू इक्वल टू कितना, 1 6 कितना आया, एट एट जीरो जीरो एन स्क्वायर माइनस 3 को टी मान लो, टी टी प्लस टू इक्वल टू कितना, प्लस अभी वो क्वाड्रेटिक बन गई, इसके पहले फैक्टर निकालो जिससे किसकी वैल्यू होगी, टी की, जो टी की वैल्यू होगी फिर क्या एन निकाले स्क्वायर माइनस, लेकिन इतने बहुत लंबा चला जाएगा जितना टाइम वेस्ट होने वाली बात है ना, चमक गया ये वाला क्वेश्चन बेटा, यस सर योगी में कैसा किया हुआ इसको, देख लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5th, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवाता हूँ बेटा, उसकी प्रॉपर्टी भी याद दिलाता हूँ, पहले प्रॉपर्टी काम की सोचो, याद भी होनी चाहिए। NCR NCR-1 ऊपर हमेशा एक बड़ा कर दो, और नीचे जो इन दोनों में बड़ा वो आएगा, ये मैंने करवाई भी थी प्रॉपर्टी, लिखवाई थी मैंने यहाँ तक। अब आ जाओ क्वेश्चन में, क्या था 10 2 10 2 है, प्लस में कितना है, 12 में 5 है, 11 में कितना है, 4 है, प्लस 10 में कितना है बेटा, 3। देखो बेटा बिना पेन चलाए करते हैं, यदि इन दोनों को प्रॉपर्टी लगाते हैं फर्स्ट और लास्ट को, तो कितना बन जाएगा, ऊपर एक ऐड कर दो, नीचे मैक्सिमम वाला ले लो,
टेन सी इलेवन फोर इलेवन सी थ्री थ्री भैया ऊपर ऐड करने के ऊपर एक ऐड कर दो इन दोनों में दोनों में उठा लो इन दोनों की औलाद क्या आएगी 11 सी थ्री बाकी सब एज इट इज लिख दो 13 सी सिक्स प्लस 12 सी फाइव प्लस कितना 11 सी फोर अब बेटा अब इन येलो येलो को पकड़ लो इन ऊपर ऐड कर दो नीचे मैक्सिमम वाले उठा लो 12 सी कितना आएगा फोर फोर 14 सी सिक्स हाँ अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना देगा बेटा 13 C5 14 C6 अच्छा 14 13 C5 14 C6 अब बेटा मान लो ऑप्शन में इक्वल टू दे ना 14 बाय क्या दे रखा आर दे रखा है हां प्रपोजिशन में 5 7 8 9 तो क्या टिक करके आता ऑप्शन में दिया होता आर की वैल्यू पूछती ना 8 14 C6 किसके इक्वल होता बेटा 14 C8 ऐसे घुमा भी सकता है कभी तुम 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 तो बोले नहीं सर हमारा तो 6 आ रहा था तो 14 C6 किसके इक्वल होता है 14 C8 तो सारी प्रॉपर्टी पे एक सवाल अच्छी बात है चमक गई है वाला यस छठा देखो छठा बाइनोमियल थ्योरम में ये ऐसी कैलकुलेशन पक्का आने वाली है मतलब बाइनोमियल चैप्टर छठा सवाल अभी यहाँ सीख जाओ तो बढ़िया आराम हो जाएगा छठे में देख के बताओ क्या क्या लिखा हुआ है क्या क्या बेटा छठे में देख के बताओ क्या लिखा हुआ है n माइनस वन आर इज टू एन आर एन प्लस वन आर इक्वल टू सिक्स रेस टू नाइन रेस टू कितना बेटा 13 तो ये कितना हो जाएगा बेटा देखो अभी देखो ये ऐसा लिख दो एक बार समझाने के लिए हमेशा बड़ा अपन छोटा लिख रहा हूं कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा बड़की वो वाला सिक्स बाय नाइन और ये कितना नाइन बाय चमक गया बेटा अभी देखो अभी याद आ रहा क्या होता है n माइनस क्या होता था बेटा n माइनस छोटी बहु अपॉन बड़ी बहु n माइनस छोटी अपॉन में बड़ अच्छा दोनों की बहु है तो एक जैसी है बेटा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बांधे हो गए n चेंज हो गए हैं देखा सवाल में हाँ सर वो कब लगता था n c r अपॉन n c r माइनस वन तो नीचे वाले चेंज होते थे ओहो हो अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी करें बेटा कैलकुलेशन हाँ सर डरने का नहीं अभी शॉर्टकट नहीं लगेगा इसमें ऊपर वाला क्या है n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल ये कैसे खोला बेटा जिन जो बच्चे भूल गए हैं एन सी आर का मतलब क्या होता था एन फैक्टोरियल देखो इसको लिखा दिस फैक्टोरियल इन दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल और योला योला फैक्टोरियल नीचे वाले का देख देखो कैसे लिखेंगे बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन में n minus r factorial r factorial into r factorial is equal to कितना है 6 by 9 अभी देखो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी बहुत कुछ डायरेक्ट कटेगा r से r कट गया n minus n में से n minus 1 factorial कट गया हां सर n नहीं बचेगा n minus r factorial और नीचे क्या बन जाएगा n minus r minus 1 factorial is equal to कितना हो जाएगा 6 by 9 अभी तो सिर्फ पहले वाले को सॉल्व की है ए वाले को बी वाले को सॉल्व ही नहीं किया अभी तो अच्छा अब एन माइनस आर और एन माइनस अभी कौन बड़ा है ये वाला बड़ा है ये वाला बड़ा ऊपर वाला ऊपर वाला उसमें से एन माइनस आर बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा एन पे मल्टीप्लाई में क्या बेटा एन
एन कौन सा मल्टी, अच्छा एक नीचे ये एन बचेगा कौन से वाला, ये वाला गया था ना वो, ये वाला, तो ये एन मल्टीप्लाई में बचेगा, तो ये अपने पास बचा, तो ये कितना आ गया बेटा, n minus r upon n equals to 2 by 3. 1 minus r by n. n minus r upon me n equal to कितना बढ़ेगा 6 by n. ये तो अभी किसको सॉल्व किया बेटा अपन ने? पहले दो को. पहले दो को. तो इसको बेटा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 n minus 9 r is equal to कितना बढ़ेगा 6 r. r नहीं n होगा. 6 n. कितना बेटा 9 n minus 9 r is equal to 6 r. ये n ना. 6n तो ये की तो जगह 3n इक्वल टू 9r तो n मिल गई आ जाएगी यार, ये कैलकुलेशन आई अपनी इसकी. अब किसको सॉल्व करते हैं बेटा, थर्ड पार्ट, वो भी गंदा सा जाएगा, n plus 1 फैक्टोरियल अपॉन में n plus 1 माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 9/13 n plus 1, n plus 1 बड़ा को छोटा बना सकते हैं, n factorial, n से n factorial कट गया. अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन है? ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है? ऊपर वाला, वाला ऊपर वाला, वाला बेटा उसको छोटा बनाया जा सकता है कैसे, एक कम एक कम कर दोगे n - r factorial बन जाएगा तो कट जाएगा, एक कम कर दोगे तो क्या बचेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं n प्लस वन बचेगा, n प्लस वन माइनस आर बचेगा मेरे हिसाब से, इक्वल टू क्या बचेगा 9/13. तो इधर से एक रिलेशन आ जाएगा, इधर इधर रिलेशन लिख देता हूँ क्या आएगा, योगी में पूरा सॉल्व किया होगा कहीं ना कहीं, तो 9n प्लस 9 माइनस 9r, तो ये कितने क्या हो जाएगा अपना बेटा, 13n + 13 4n plus 4 is equal to minus का बेटा कितना 9r, n की जगह रखता 3r, तो 12r plus 4 is equal to 9r, कुछ गलती की मैंने बड़े सर, minus 9r, minus 9r किधर, इधर ना, हाँ सर minus 9r आएगा सर, अरे नहीं वो गलती हो ना, r की जगह r negative r ना सर, रेशियो 13/9 नहीं होगा, ओ यार 13/9 कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन भी कम होगी यहाँ से ही होगा 13/9 इधर उधर कर लेते, अच्छा ओके पूरा ट्राई मार लिया, मल्टीप्लाई करते हैं 9n plus 9 is equal to 13n प्लस 13 माइनस 13r, तो कितना देगा 4n प्लस 4 इज इक्वल टू 13r, और n की जगह रख रहे 3r, 12r प्लस 4 इज इक्वल टू 13r, पार्टी वैल्यू क्या है 4 n की 12 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 12, कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन में कितना बड़ा बेटा ना, कभी और छोड़ मत देना, और इसमें तो प्रॉपर्टी भी लग नहीं रही थी, इंक्वायरी तो खोला है अपन ने, तो दोनों तरह चेक करना पड़ेगा हमें क्या बेटा, तो वो सब और एक क्वेश्चन दोनों तरीके से चेक करना पड़ेगा, ये वो चेक क्या करना पड़ेगा, वो तो पता चल जाएगा ना, एनसीआर एनसीआर माइनस वन, तब तो अपन को अपॉन ऐसा अपॉन में दिया तब भी कर सकते हैं, अच्छा तुमने नोटिस किया अब ये वाले प्रॉपर्टी देखो, ऐसा दिया हो तो ऐसा भी तुम हैंडल कर सकते हो, और ऐसा दिया तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, कैसे, इसका क्या होता है रिजल्ट, n प्लस वन टी आर, दोनों में एक ऊपर में वन ऐड कर दो नीचे में बड़ा, इसका क्या होता है n माइनस छुटकी बहू अपॉन में कौन सी बहू बड़की, दो रिजल्ट काम आएंगे, हालांकि लिखवाए हुए हैं पहले, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 7, बेटा देखो 7 में क्या है, एन माइनस वन आर माइनस वन, चलो चमकाते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना, एक बार बोलना क्या लिखा हुआ है,
किसी तो हुआ क्या सेवंथ? हाँ सर ये हुआ ना एन माइनस वन आर माइनस कितना आर माइनस वन इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वन और एन आर माइनस वन। देखो बेटा वैसे तो ये बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, कैसे? यदि तुमको मैंने याद हो मैंने एक बताया था एन सी आर का क्या बताया था, एन को बाहर निकालो अपॉन में आर को बाहर निकालो अंदर क्या बचेगा एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में क्या चलेगा आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये परमुटेशन में नहीं लगता, ये प्रॉपर्टी किसमें लगती है सर? कॉम्बिनेशन में। अच्छा यदि मैं इसको थोड़ा इस सवाल को रीअरेंज करके लिखूं तो मैं ऐसा लिखता हूँ, ऐसा लिख सकता था क्या एन अपॉन में आर माइनस वन ये वाले आइटम को एन अपॉन में एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन? इससे कुछ बनेगा तो नहीं दिख रहा पंकज। एन सी आर ओहो लगा लिया मैंने दिमाग तो लग जाएगा मेरा। देखो बेटा यहां तक क्लियर है ये समझ में? मुझे ऐसा कुछ प्रूफ करने सर देखो मैं इरेज करता हूँ तो ये क्वेश्चन यही है, मुझे समझ में आ गया मुझे ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? एन ये प्रूफ करना है एन अपॉन में एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में एन माइनस वन अपॉन में सॉरी अपॉन का मतलब मैं अपॉन लिख रहा हूँ जानबूझ के आर माइनस वन ये अपॉन नहीं है, ये क्वेश्चन था ना? अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मैं सी यूज कर लेता हूँ सी वाला पैटर्न। क्या था एन इंटू क्या था एन माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू क्या था एन माइनस आर प्लस वन एन सी आर माइनस वन एन सी आर माइनस। अब इसको अपने तरीके सोचते हैं, मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है कैसा एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है एन अपॉन में एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस वन सी आर माइनस मैं फिर ब्रैकेट लगा रहा हूँ सी। अब देखो बेटा हो सकता है सवाल तुमसे एन सी आर माइनस वन का दूसरा मीनिंग क्या होता है, जैसे 14C6 का मीनिंग क्या होता था 14C8 इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है एन सी एन एन माइनस आर प्लस वन। हाँ मतलब ऐसे एन एन माइनस आर प्लस वन। देखो बेटा मेरे दिमाग में अभी ये अभी तुमको कराते कराते चिमका है, अब मैं इस अभी मैं तुमको प्रॉपर्टी समझा ना, इसमें से ये बाहर निकाल दो इसमें से ये बाहर निकाल दो अंदर क्या बचेगा उससे कम माइनस वन एक कम बचेगा ना एक कम बचेगा तो एन माइनस आर। अब इसको वापस अभी इसको वापस से क्या लिख सकते हो दोबारा से सोचो वही एन माइनस वन सी एन माइनस वन माइनस एन माइनस आर क्या लिख सकते हो वापस से वही आ गया ना जो प्रूफ करना है। हाँ सर हाँ सर आर माइनस वन उनका प्रूफ भी शान है लेकिन अपना प्रूफ और भी शान है। मैंने बार बार दो प्रॉपर्टी यूज कर ली क्या एन सी एक्स को क्या लिख सकता हूँ एन सी एन माइनस वन एक्स वाह तो मैं वन देखा है एन में से एक्स लोगों का सिलेक्शन इज इक्वल टू एन में से कितने लोगों का रिजेक्शन N माइनस पानी। ये तरीका समझ में तो ठीक है तो फिर वो योगी के जो सॉल्यूशन है वो यूज कर सकते ठीक है। और कौन सा डाउट था इसमें डाउट के मतलब ये भी इसी तरीके से प्रूफ करना है कौन से वाला एट वाला। चलो एक लास्ट देख लेते हैं फिर अपने आ जाएंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। एट क्या बोला एन सी आर आर सी पी एन सी पी एन माइनस पी आर माइनस तो कैसे किया जाए बेटा
एक तरीका तो जो उन्होंने कर रखा है वो तो अपन कर ही सकते हैं, लेकिन मैं सोचा तो शाना तरीका करा जाए तो क्या किया जाए बेटा। बड़े तरीके के अलावा कोई छोटा तरीका नजर आ रहा है बेटा? अच्छा आ गया आ गया आ गया, अलग इसको ऐसे करना पड़ेगा। एन फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल क्या जाएगा, आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, पी फैक्टोरियल, और ये क्या जाएगा, आर माइनस क्या बेटा, पी फैक्टोरियल। अच्छा ये लच्चस भैया हो गए, देखो कुछ तो कटता नजर आ रहा है। अब मुझे देखो, अब मैंने राइट हैंड साइड को देखा, मुझे प्रूफ प्रूफ में चाहिए एनसीपी, क्या चाहिए बेटा, एनसीपी, एनसीपी का मतलब क्या होना चाहिए, वो रिया चक्रवर्ती वाले एनसीपी नहीं, एन फैक्टोरियल, एन माइनस पी फैक्टोरियल, और क्या होना चाहिए, पी फैक्टोरियल। अब मुझे हर्ष बोला कि सर बाकी सब सही है, एन फैक्टोरियल भी है पी फैक्टोरियल भी है, किसकी कमी पड़ रही है, एन माइनस पी की। हर्ष बोला सर एन माइनस पी फैक्टोरियल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देखो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे अभी भी क्या बचा हुआ है, एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर माइनस पी फैक्टोरियल। तो हर्ष बोला सर इसका नाम क्या कर दो, एन सी पी। अब हर्ष बोला सर इसको एक बार चेक कर देते हैं, ये वाला कैसे आएगा, ये चेक करेगा तो क्या आएगा, एन माइनस पी फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इंडिविजुअल दिस फैक्टोरियल, तो ये आर माइनस पी फैक्टोरियल, तो क्या सारा का सारा ये क्या बन गया बेटा, ये वापिस है एन माइनस पी सी आर माइनस पी, तो ये प्रूफ हो गया, चमक गया बेटा सर। ये बस उल्टे सीधे क्या करके कॉम्बिनेशन को बना के उल्टे सीधे हरकतें की गई हैं। कल तुम्हारा टेस्ट ले लिए थे इसी से सवाल होगा, अरे मैं देखने तो वाला था आज वो मेंटी पे क्वेश्चन वैसे टाइप करा के कैसे डालूं, अपन क्विज क्रिएट कर सकते हैं ऐसे पूरी, मैं आज करूंगा कल सोचता हूँ सर, आज पीडीएफ भेज देना इस क्लास की, नोट कर लेना, लेकिन हाँ वो तुम्हें भेज दूंगा अभी पूरा रफ में, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत नहीं तो लंबा चल जाएगा, तुम बोलोगे सर कोई चैप्टर कराना है बेटा। अब से जो प्रॉब्लम, अब पहली बात तो तुम ये देना ज्योमेट्री में कॉम्बिनेशन का यूज क्यों करेंगे पहले ये सोचो, क्योंकि बेटा देखो क्या होगा, मान लो मैंने तुमको उस दिन भी बोला था कि कोड मान लो ए बी सिलेक्ट करो या बी ए सिलेक्ट करो, कोड तो वही रहेगी ना काउंट में, तो तुम बोलो सर कोड कहाँ से उठा दिया आपने, ज्योमेट्री सर्कल वाला था ना सर्कल। अरे बेटा देखो ये मेरे लिए एक ही कोड है, अब ये तुम ये नहीं बोल सकते कि ए बी कोड और बी ए कोड क्या है, अलग अलग, इसका मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्शन, तो यहाँ पे ज्योमेट्री का जब भी सवाल है इसका मतलब अपने को क्या करना है, सिर्फ सिलेक्शन इलेक्शन। अब देखो पहला सवाल क्या है, अच्छा अब तुमसे पांच हर चीजें पूछता हूँ, मान लो बेटा तुम्हारे पास एन पॉइंट है, एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कितने पॉइंट है, और उसमें से लाइन कितनी लाइनें बना सकते हो, लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते तुमको, तो कितनी लाइन बन सकती है, एन सी, यदि मैं किसी बच्चे से पूछूं कि एन पॉइंट से कितनी लाइनें खींच सकते हो, तुम बोलोगे एन सी टू, तुम अभी रख के देख लो ना, मान लो तुम्हारे पास चार पॉइंट है, तो चार पॉइंट मान लो ए बी और सी, और कौन सा चार पॉइंट से कौन कौन सी लाइनें खींच सकते हो, चार सी टू मतलब चार इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, मैं तीन लाइनें बना सकता हूँ चार से, एक तो ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी और कौन सी बची, बी ए, वो तो एक ही होगी ना बी ए, वही तो समझाया अभी गधे ये कितनी लाइन होगी बेटा, यहाँ पे छह होगी ना, अच्छा। तो यार मैं कल किसी बच्चे से पूछूंगी n पॉइंट्स हैं तो कितनी लाइनें तुम चमकाओगे, nc2। अब उदय नहीं बोलेगा, उदय का नाम वैसे मस्त, उदय गधे, उदय भी गुस्सा होते नजर आ रहा है
ज्यादा जल्दी किसकी है क्लास में, किसी फटाफट जलाई जा सकती है, कौन ऐसा? और किसकी किसकी कम सबसे बहुत देर बाद जले, वो मुझे लग रहा झील बकरानी लग रहा है झील। हाँ सर बोलो ना। झील बोला मेरी इनडायरेक्टली बेटा, हम बोल रहे तेरी ले सकते हैं, कैसे पूछ रहे हैं? हाँ सर करो ना मस्ती। वैसे विद्या भी बेशर्म में कम थोड़ी है विद्या। हाँ सर। तुम्हारी मतलब तुम्हें तुम्हारी जलती है ऐसे गुस्सा आता तुमको? ना सर मेरा पेशेंस लेवल बहुत तंग है। ये कैसे डेवलप हुआ, मतलब सुन सुन के या बोल बोल के? सुन सुन के, बोल बोल के दोनों। तुम बचपन में तुमने बताया नहीं तुम जैविक से तुम क्या खेलते थे बेटा? है बेटा तुम उतना कुछ बताने लायक है नहीं। ओहो मतलब बताने लायक नहीं इसको, मतलब खराब है। अच्छा खेलो खेलो बेटा, बचपन है यहाँ तो चमक है बेटा। एन पॉइंट से तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? एन सी टू। कल किसके बीच मैच था बेटा? अमित सर और मुंबई राजस्थान। कौन जीता बेटा? मुंबई। प्लीज सर जीत गए। सोनू सर की जीत हुई। मुंबई जीत गए। मुंबई जीत गए सर। राजस्थान तीन हार गई। तीन में चार छूटी। वो ओरिजिनल फॉर्म आ ही जाता है दादा बेटा। हमने बोल रहे हम हार के जीतने वाले को हरा हुआ कहते हैं। एक बार अलग था देवटिया का। क्या लगा था? एक बार जीत गए थे क्या? मार छक्के मार दिए थे ओवर में। ओ हो 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 बेटा यहाँ तक लिया तुमको सबको, ये चमक गए इतना। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ यदि अभी चार पॉइंट अपन कितनी लाइनें खींच सकते थे? चार पॉइंट अलग अलग बना दिए कहीं भी ऐसे ए बी सी डी। अच्छा मुझे उसमें से बताओ उनमें से चार लाइनें तो ये वाली मेन मेन हो जाएंगी, तो डायगनल कितने बचेंगे, कितने आएंगे? दो डायगनल। तो चार प्लस दो छह लाइनें देखी तुमको। अच्छा मान लो मुझे पांच पॉइंट दिए होते ए बी सी डी ई, तो कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकता हूँ? फाइव सी फाइव इंटू फोर इंटू टू इंटू वन, तो कितनी लाइनें आएंगी बेटा? टेन। अब मैं किसी बच्चे से पूछूंगी वो टेन लाइनें बना दो, तो अभी देखो तुम बोलोगे सर आपका दिमाग तो पढ़ पढ़ के खराब हो गया और हमारा दिमाग आप और खराब कर रहे हो। बेटा देखो पांच लाइनें तो बेटा ये वाली बना दी बेटा मैंने तुमको, दिखी पांच लाइनें? अभी दस लाइनें बनने वाली हैं। कौन कौन सी? सिक्स सेवन। अरे धीरे धीरे आ रहा है बेटा। हाँ सर बहुत ठीक है। ये आ जा सिक्स आई है सेवन। वाह कौन सी बची है? एनिमेशन डाल है। कितनी लाइन होगी बेटा टोटल? मेन लाइन है कितनी है? मेन लाइन मतलब मेन साइड्स कितनी है? पांच। पांच। पांच कौन कौन सी? ए बी ए बी सी बी डी बी सी ए बी सी ई डी पांचों है। और डायगोनल कितने बेटा? ये मेन लाइन्स है एनिमेशन डाटा बेटा दिख गया। अच्छा तो डायगोनल्स कितने बचे बेटा? साइड प्लस वन पांच भैया। टोटल लाइन दस थी पांच मेन लाइन, तो पांच कितने बचे बेटा? डायगोनल्स अभी मैं इसको लेके आता हूँ, नहीं तो ये एनिमेशन आता रहेगा। एनिमेशन आता रहेगा तो पढ़ाने में मजा नहीं आए। आज नेट बहुत बेकार हो रहा है इसलिए पीडीएफ का बदला। अब भी देखो बेटा अब आ गया ना। अब आ गया बेटा। अभी देखो टोटल, देखो मैं पूछू टोटल डायगनल कितने बचेंगे? तुमने बोला सर टोटल लाइन्स हम कितनी बना सकते हैं? एन सी टू। कितनी लाइन बना सकते हैं?
NC2 उसमें से मेन लाइन होती है एन, तो बाकी बचे क्या होंगे सारे के सारे डायगोनल्स। यदि मैं तुमको बोलूं कि एन पॉइंट दे रखे तुम कितने डायगोनल बना सकते हो, तुमने बोला NC2 माइनस एन एन, और इसको भी थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं। NC2 का फॉर्मूला सब गधों को पता है मेरे जैसे। यस यस सर। माइनस एन कॉमन सु था बेटा एन, एन माइनस वन बाय टू माइनस वन, तो कॉमन क्या रहेगा एन एन माइनस थ्री बाय टू। अब बेटा सवाल कैसे आता है, मैंने बोलू मेरे पास 10 पॉइंट है तो कितने डायगोनल बनेंगे, तो फॉर्मूला कितना आ गया 10 इंटू 7 बाय 2 35 चमक गया। हाँ यदि मैं कल को पूछू कि ज्योमेट्री में आपको एक ज्योमेट्री में एन पॉइंट दे रखे तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला ड्राइव करो, तो तुम क्या लिखोगे, टोटल लाइन बना सकते हो एन सी टू, उसमें से मेन साइड कितनी होंगी, माइनस एन क्यों किया क्योंकि मेन साइड होंगी पांच का, तो पांच मेन साइड होंगी। क्लियर है? हाँ क्लियर है। आज के बाद तुमको नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला चमक जाएगा। टाइम में क्या है भैया, क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे आज खत्म होती नजर आ रही है यार, मैं तो मस्ती भी नहीं कराई। चलो तुम होमवर्क में तीन ट्राई कर लाओगे क्या ये वाले वेले? अब एन किसकी वैल्यू दे रखी बेटा तुमको, एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू की वैल्यू दे रखी कितनी 54, एन एन माइनस थ्री बाई टू की वैल्यू दे रखी 44। ये तो पूछा डायगोनल का फॉर्मूला बना, तो निकाल दिया एन एन माइनस थ्री बाय टू, समझ गया? तो अभी पीडीएफ भेजना जरूरी है क्या? यस सर। किस शहर को 44 वाले का 11? वाह वाह सी वाह, तेरे को कोई गाली देते हुए नजर आ रहे बेटा। यस सर। तूने पेपर सॉल्व कर लिया? अभी 4 बजे करूंगा भाई, इतना बिजी रहता तू? सर वो इतना ड्रॉप था नहीं क्या सर? सारे हो गए क्वेश्चन? हाँ सर वो हॉलिडे ट्रिप बुक बाकी है। और मेंस वाले अपने बाकी सारे हो गए, वो बेसिक मैथ्स और क्वाड्रेटिक के मेंस वालों से सीक्वेंस एंड सीरीज के। हाँ यस सर। सर लास्ट 3 नहीं हुए, 2 नहीं आए, बाकी सब योगी के लास्ट 3 जो थे वो नहीं हुए। प्रीवियस ईयर के उसके 2 नहीं आए बाकी। बेटा थैंक मिलते, थैंक यू फॉर द कक्षा कक्षा। अच्छा पीडीएफ पे आ गई, आज चैप्टर खत्म होने के बाद वो डिस्कस कर लेंगे बेटा। तो 4:30 को पीडीएफ भेजनी है ना? हाँ बेटा। ओके सर।